हेलो गाइस, स्वागत है आपका हायर मैथमेटिक्स में। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, सॉल्यूशन का, क्रीजिंग चैप्टर 2 के सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट है ये। और इस वीडियो में हम अपने आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कवर करते हैं। तो मैं क्वेश्चन 11 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 11 में जो आपको दिख रहा है कि एक कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, और हमसे ये पूछा है कि एक क्लोज यूनिट बॉल, गौर करिए, एक क्लोज यूनिट बॉल इन ए नॉर्म स्पेस एक्स इज कॉन्वेक्स। यानी कि एक आपके पास एक यूनिट बॉल है, क्लोज्ड है, और एक्स इज ए नॉर्म स्पेस। नॉर्म स्पेस की डेफिनेशन क्लियर है कि ए सबसेट विद ए नॉर्म, ठीक है, उसमें एक क्लोज यूनिट बॉल हमेशा कॉन्वेक्स होगी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करते हैं। इफ ए इज कॉन्वेक्स, इंप्लाइज करेगा अगर दो एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहे हैं, देन अल्फा बिलोंग टू, देन अल्फा बिलोंग टू 0 1 सच दैट अल्फा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा वाई हैव टू बिलोंग इन ए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स सेट। एंड लेट बी 0 1 इज क्लोज यूनिट बॉल। That is, if x belong to B01, implies norm of x is less than equal to 1. Okay. Is it convex? Just take two element, x and y belong to B01. ये क्या implies करेगा? अब हमें इसमें put करना है, ये element find करना है हमें, ये क्या होगा? अल्फा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा वाई, टेक द नॉर्म हियर लेस देन इक्वल टू अल्फा, नॉर्म ऑफ एक्स मोड अल्फा, मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अल्फा हमारा 0 1 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, प्लस 1 माइनस अल्फा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, मोड यहाँ पे भी नहीं लगेगा, नॉर्म ऑफ वाई। ओके, क्योंकि एक्स एंड वाई बिलोंग टू क्लोज बॉल, क्लोज यूनिट बॉल, तो ये सब लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो हम यहां से ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, देन इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि यहां से ये इंप्लाइज हो गया B01 इज क्लोज्ड, इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्लोज्ड यूनिट बॉल। यानी कि अगर आपके पास नॉर्म स्पेस है और उसमें कोई क्लोज यूनिट बॉल ले रहे हैं, वो कॉन्वेक्स होगी। सिर्फ यहां तक आप समझिए इस क्वेश्चन को। प्रॉब्लम में एक फाई दिया हुआ है, नॉर्म, इसको हमें नॉर्म नहीं है ये प्रूव करना है, वो भी प्रॉब्लम 11 का यूज करके। तो इन प्रीवियस प्रॉब्लम वी हैव प्रूव दैट इन ए नॉर्म स्पेस ए क्लोज यूनिट बॉल इज कॉन्वेक्स, यही प्रूव किया था। ओके, तो वही चीज हम यहां पे यूज करेंगे। कोई दो एलिमेंट लेते हैं पार्टिकुलर, क्योंकि कंट्राडिक्ट करना है हमें। सपोज दैट दिस इज, लेट इज नॉर्म स्पेस। ओके, दिस इज नॉर्म स्पेस, एंड क्योंकि ये देखिए इसके एलिमेंट जो है वो ऑर्डर पेयर में है, तो हम ऑर्डर पेयर में कंसिडर करते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू 1,0, 1,0 बिलोंग टू B01 क्लोज बॉल, B01
एंड वाई इज इक्वल टू 0,1। ठीक है, ये दो एलिमेंट हम इससे लेते हैं। ठीक है, अब हम एक एलिमेंट, पार्टिकुलर एलिमेंट बनाते हैं इस तरह का, यस 1 - α 1,0। ये कहीं पे भी हो सकते हैं, आगे पीछे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस एलिमेंट को, अब यहाँ पे अल्फा जो है वो आर्बिट्रेरी है, हमें पार्टिकुलर चूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अल्फा जो है 0.5 ले लेता हूँ, यानी हाफ। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्या बन जाएगा, फाई ऑफ 0.5x + 0.5y, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसके कोफिशेंट अब क्या बन गए, इस एलिमेंट के जो कोफिशेंट है वो क्या बन गए हमारे पास, लेट x डैश इज इक्वल टू 0.5x + 0.5y इज इक्वल टू 0.5, 0.5, ये बन गया। शाई ऑफ x डैश इज इक्वल टू क्या थी नोम्बोस, हाँ या स्क्वायर रूट ऑफ 0.5 + 0.5 का स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा, 2 का होल स्क्वायर × 0.5, दिस इज इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 1। यहां से क्या इंप्लाइज हो गया, x डैश डज नॉट बिलोंग टू बी क्लोज 0,1, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू phi, शाय, विद रेस्पेक्ट टू शाय, B01 इज नॉट कॉन्वेक्स। दिस इज कंट्राडिक्शन। और ये कंट्राडिक्शन से हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, और इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि डिस्क्रीट मैट्रिक कैसे भी ऑब्टेन नहीं की जा सकती किसी भी नॉर्म से। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन थी पहले ही, कंडीशन ये थी कि इफ कोई मैट्रिक डी है, इफ डी इज ए मैट्रिक, तो ये ऑब्टेन कब की जाएगी किसी नॉर्म से, किसी नॉर्म से ये तब ऑब्टेन की जाएगी इफ डी होल्ड α(x, α)y इज इक्वल टू अल्फा ऑफ डी एक्स वाई, होमोजेनिटी की कंडीशन होल्ड करे तो ही ये ऑब्टेंड की जा सकती है किसी नॉर्म से, ये कंडीशन है अपने पास। ठीक है, तो इसी का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। तो वी नो दैट If x does not equal to y in discrete matrix, ये क्या implies कर देगा, d of x y is equal to 1, take alpha is equal to 5, d of 5x, 5y क्या होगा 1, क्योंकि x does not equal to y implies 5x does not equal to 5y। ठीक है, but 5 of dxy is equal to 5 and 5 does not equal to 1 implies d cannot be obtained, d cannot be obtained from any norm, by any norm, okay, ये किसी भी norm से। Similarly, जैसे हमने इसी 13th problem में किया है, वही करेंगे हम यहाँ पे भी, ये वाली condition जो है use करेंगे, ये condition use करते हैं इसके लिए।
डज नॉट इक्वल टू वाई लेते हैं, ये क्या इंप्लाइज कर देगा, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई डी कैप ऑफ डी टेल्डा ऑफ इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस वन. ओके नाउ टू एक्स डज नॉट इक्वल टू टू वाई, यहां से इंप्लाइज कर जाएगा ये क्या इंप्लाइज करेगा, डी डेल्टा एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ टू एक्स कॉमा टू वाई प्लस वन. ओके बट होमोजेनिटी कंडीशन होल्ड होनी चाहिए तो इसलिए अल्फा बाहर आएगा, टू बाहर किया हमने, डज नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहां से टू हम कॉमन ले नहीं सकते, डी ऑफ टू एक्स कॉमा टू वाई प्लस वन, क्योंकि यहां से टू कॉमन नहीं लिया जा सकता, इसलिए ये इक्वल होंगे नहीं कभी भी, ये इवन नॉट इवन, यस नॉट इवन. ठीक है तो कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन, हेंस प्रूव कि ये किसी भी नॉर्म से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, ये साबित हो गया है. ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि कोई सेट, कोई सबसेट लेते हैं हम किसी नॉर्म स्पेस का, वो बाउंडेड तभी हो जब देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर सी सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू सी हो फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एम. ठीक है एम को सबसेट लेते हैं, लेट एम इज सबसेट ऑफ एक्स, और वी यूज द डेफिनेशन ऑफ डायमीटर, एंड डायमीटर ऑफ एफ एम इज सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, एंड इफ डायामीटर इज फाइनाइट देन एम इज फाइनाइट, एम इज फाइनाइट. तो इसी को ही प्रूव करते हैं, गिवन लेट लेट देयर एग्जिस्ट ए सी ग्रेटर देन जीरो सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एम. तो यहां से ये क्या इंप्लाइज करेगा, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू एम. यहां से क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू सी, यानी डायमीटर ऑफ एम, ये डायमीटर को इससे डिनोट कर दे डेल्टा से. ठीक है लेस इक्वल टू सी यानी कि एम इज फाइनाइट. ठीक है नाउ लेट एम इज फाइनाइट, एम इज फाइनाइट मींस डेल्टा ऑफ एम इज लेस देन इक्वल टू सम सी, ये क्या इंप्लाइज कर देगा, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू सी है, ये सुप्रीमम लेस देन इक्वल टू सी होगा. यहां से क्या इंप्लाइज कर देंगे, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू सी, यानी कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू सी, यानी कि नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी प्लस नॉर्म ऑफ वाई. दिस इज नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी डैश, वेयर we can take where c dash is equal to c plus norm of y and take y is fixed. Okay, hence prove. तो इसी के साथ ही अपनी सारी ये खत्म होती है ये section 2.2. आगे फिर अगले solution discuss करेंगे. Thank you very much.